गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज भी सुबह जैसे कि कल उठे थे 7 बजे, आज दोबारा उठ गए। अब डेली सुबह 7 बजे उठेंगे, टारगेट बना लिया कि 30-35 दिन 7 बजे उठूंगा, क्योंकि एक बार आदत लग गई ना 7 बजे उठने की या 6 बजे उठने की सुबह सुबह जल्दी, तो डेली अपने आप आँख खुल जाती है। आज भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था कि आँख खुल गई। और दूसरा क्या चाहिए, साथ के साथ सपोर्ट भी चाहिए कि किसी का फ़ोन आ जाए, भाई खड़ा हो जा, सुबह होगी। तो इसलिए मैंने 2-4 भाइयों को बोल दिया अपने, भाई फ़ोन कर दिया करो सुबह चलेंगे। चाहे जिम जाने के चक्कर में थोड़ा आलस आता है कि यार एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी हर चीज़ है, तो जिम वेम तो सब मना कर दी मैंने कि जिम वेम छोड़ो अभी, मैं साइकिलिंग वगैरह करता हूँ अपनी और रनिंग वगैरह कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। जिम में अभी कुछ दिन छुट्टी कर रहा हूँ मैं, और इसी के साथ सुबह मैंने बोला कि कुछ भी करेंगे उठ के, चाहे घूम के आएंगे 10 चीज़ें, इनके साथ ना वो आ जाती है कि भाई घूमने जा रहे हैं सुबह सुबह, चलो ऐसे चक्कर काटने जा रहे हैं, चाय वाय पीने जा रहे हैं, तो इससे मन होता है कि चलो कोई मेहनत का काम थोड़ी है। तो इसलिए आज भी उठ गए, अब देखते क्या करेंगे। तो गाइस इनके बाद देर सुबह आ गया, इन पर दूध भी नहीं है इस टाइम, तो कह रहे हैं अभी 9 बजे के बाद इनकी पाएगी चाय, तो अब देखते क्या करते हैं नहीं करते, नहीं तो मैं घर जाकर दूध ही पी लूँगा अपना, घर पे भी दूध बढ़िया लगता है, तो देखते हैं यहाँ चाय पीते हैं नहीं पीते। तो गाइस काफ़ी मुशक्कत के बाद चाय हमारी आ गई है, और आज चाय टेस्टी ज़्यादा लगेगी क्योंकि हम लेके आए चाय को, मतलब दूध को लेने गए थे भाई के साथ। मजाक कर रहा है। तो गाइस आज थोड़ा मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश वारिश हो रही है यहाँ पे पूरी, तो जैसे देख सकते हैं रोड भी बिल्कुल पानी पानी हो गए। तो देखते हैं अब आज का दिन कैसा जाएगा, क्या करेंगे या घर ही बैठेंगे, वो तो दिन में पता लगेगी। चल तो अभी तक जाके नहाते धोते घर पे जाके। सो आज हम जाने वाले कुछ गाड़ी के काम कराने, क्योंकि ट्रिप पर जाना है तो उससे पहले कुछ काम करा लेने चाहिए गाड़ी के। और इस बार सोलो ट्रिप भी है, आप समझ सोलो ट्रिप नहीं है, मतलब जिसके साथ भी जाएंगे तो जो भी चलेगा उस टाइम, तो थोड़े बहुत गाड़ी में काम वगैरह करवाने हैं, जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं क्या काम है। मेन काम है जैसे इधर से एक दिन वो लग गई थी, एक गाड़ी थी उसने ठोक दिया था थोड़ा सा, तो उसको ठीक कराना, और थोड़े इंटीरियर में मैं सोच रहा हूँ कुछ काम करा लूँ, तो सारे काम कराते हैं इसी के साथ, और अब चलते काम कराने, देखते कौन साथ में चलता है, कोई चल रहा है या नहीं चल रहा साथ में। तो गाइस थोड़ा पेट्रोल डलवा लेते हैं गाड़ी में अभी जाने से पहले, पेट्रोल थोड़ा कम है गाड़ी में। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Seat cover. आगे एक मिनट, आगे इनसे मिलो, आपके लिए खड़े हैं। इधर आगे इधर। लेदर में चाहिए बढ़िया वाले, ब्लैक कलर में, लेदर में आ गया। साका लेदर है, आगे दिखा देते। कल नहीं ये तो पुराने वाले चीज को आते हैं, मेरी वाली नहीं। लेदर कौन सा है? नापा है भैया जी, नापा लेदर। और फिटिंग इसकी बकेट फिटिंग होगी प्रॉपर? हाँ जी, ये नहीं है, ब्लैक दिखा, पूरा ब्लैक में दिखाओ, ये वाले सही लग रहे हैं, दिखाइए। वुड कंपनी है कोई? हाँ, बहुत बड़ा ब्रांड है, जर्मन ब्रांड है। अच्छा, तो दोनों में बहुत फर्क है? बहुत फर्क है। अभी ये देखो, अभी ये रबिंग हो रही है, इसके बाद कोटिंग होगी इस गाड़ी पे। अच्छा, वुड की कोटिंग होगी, वुड की रबिंग। हाँ, और अगली बार है इसे देखो, और आज नहीं फिर होगी। कितने रुपए? मतलब 2000 रुपए लग जाएगा जी। 2000 रुपए। और जो दूसरी होगी,
महीने बाद। अच्छा, और टाइम कितना लगता है इसमें भैया? गाड़ी है ना, सारा खर्चा है इसमें। अच्छा, तो टाइम कितना लगता है इसमें? अच्छा, क्या रेट है इसके? कलर एक ही है इसमें? कलर एक ही है? एक ही भाई। ये मैट है 70 के मैट के, तो ना लॉक वगैरह टूट जाते हैं बिल्कुल। लॉक आपको दिखाता हूँ कौन से टूटते हैं। लॉक जो वाले लॉक होते हैं ना, टूट जाते हैं इसके बिल्कुल ना, और फायदेमंद नहीं है। जो उस वाले का जैसे टूट गया, कैसे टूट रहा था, जैसे मुड़ जाते हैं और टूट जाते हैं पूरे। वो भैया ये बता रहे हैं वाले मैट लगा दो जो ऊपर ऊपर का है ना खाली, तो ये खुद बता रहे हैं यहाँ पे। ये लगा लो, बेस्ट चीज है भाई। ये वाला ज्यादा बढ़िया है, ये वाला ज्यादा कलर अच्छा लग रहा है इस वाला। अरे ये नहीं अच्छा लगेगा। और भैया क्या है इसकी कुछ गारंटी? गारंटी कुछ नहीं आती उससे। अच्छा तो ये लो, रफ टफ वाली चीज है। रफ टफ वाली चीज है ना वो, तो उसके क्या होगा कुछ 2 महीने बाद लॉक टूट जाएंगे, फिर आप बोलोगे यार ये क्या चीज पड़ा। और अंदर ना पैरों में अटकते रहते हैं सारी जगह। रफ टफ है, बाहर निकाला 2 दिन भी मिट्टी नहीं झाड़ोगे ना इसमें तो भी नहीं दिखेगी इसमें से। ये ठीक है, कुछ डराओ ना, कुछ डिस्काउंट बताओ। सारा सामान बताओ टोटल कितना होगा, वो भी करानी है रबिंग वगैरह, अपना टोटल लगा के डिस्काउंट वगैरह बताओ। तो गाइस और में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, सोच रहा हूँ और भी चेंज करा लूँ। तो ये भैया ने फॉरन पकड़ रखे है हाथ में, अभी बजा के दिखाएंगे कौन सी कंपनी के है। 6 महीने गारंटी वगैरह भी दे रहे हैं इसके अंदर, तो देखते हैं कितनी गारंटी का क्या फायदा है। और साइड की आवाज़ सुन लेते हैं पहले एक बार। हॉर्न का भी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हॉर्न जो दे रहे हैं वो है 1800 के आसपास का, और कुछ 2000 में तो रूस के हॉर्न लग जाते हैं। तो अभी सोचते हैं उसके बारे में कि क्या करना चाहिए। तो भाई सीट वगैरह निकल चुकी है पूरी गाड़ी की, और जो सीट कवर लगेंगे वो है इस तरह के, और बाकी सारे लग रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे सीट्स वगैरह इसकी जो है वो बनने लग रही है, और अभी रबिंग भी कराई है इसके ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर ना पहले जंग वगैरह लग गया था काफ़ी, और मतलब जंग बताता हूँ किस तरह से लग रहा था। तो गाड़ी से गाड़ी मेनली ऑफिस जाती है, ऑफिस के वहाँ है थोड़ा लोहे वोहे का काम ज़्यादा होता है, और लोहे के काम में आपको पता है लोहा कटता है, तो वो जो कटता लोहा है ना उसका पाउडर वगैरह होता है जो वो आसमान में उड़ता रहता है ज़्यादातर। तो आसमान में जो उड़ता है तो वो उड़ के आके गाड़ी पर लगता है, गाड़ी पर सेटल हो जाता है, और उधर सेटल होके फिर ऊपर ही जमा रह जाता है। तो रबिंग करानी ज़रूरी थी, रबिंग करा दी इसकी। अभी देखते हैं शायद और 2-3 कोट लगेगी इसमें, बहुत मेहनत से रबिंग हुई है। जैसे भाई करने लग रहे हैं रबिंग, देख रहे हो आप। तो अभी एक बार लेकर चलता हूँ आपको जहाँ पे सीट इसकी बनने लग रही है, आपको दिखाता हूँ सीट के ऊपर जो सीट कवर लग रहा है कहाँ लग रहा है। तो यहाँ पे इसकी सीट के कवर्स लग रही है। सो गाइस सीट कवर का तो काम हो गया है, बस अभी हेडरेस्ट वगैरह रह रहे हैं ये आने, और अभी फोन लगवा रहा हूँ जो पहले देखे थे, तो भाई अभी लगा देंगे। और उसका छोटे मोटे 2-4 काम हो रह जाएंगे, बट अब अंधेरा हो गया, आपको पता है सारी दुकानें बंद हो गई। देखो ये सारी बस हमारे काम रह रहा है थोड़ा बहुत जो रह रहा है, तो वो काम वाम करवाते हैं और फिर निकलते हैं। बचा हुआ काम बाद में करा लेंगे 1-2 दिन बाद जैसे टाइम लगता है। तो गाइस हॉर्न की आवाज़ कैसी लग रही है बताना बिल्कुल। सो गाइस गाड़ी वाड़ी का सारा काम हो गया है, और अब जा रहा हूँ घर की तरफ। रास्ते में जय भाई आ रहे, वो गए हुए थे मसूरी देहरादून घूमने हुए 2 दिन से, तो उनको भी मेट्रो स्टेशन से पिक कर रहा हूँ। मेट्रो लाइन ऊपर चली रही है साथ के साथ, तो उनको बोला है मैंने आ जाओ, उनकी वेट कर रहा हूँ, वो आते हैं फिर उनको घर छोड़ते हैं फिर अपने घर जाएंगे। तो आज काम जो जो हुआ है, जो मेन काम हुआ है वो सीट कवर का, हॉर्न का, और ये लगवा दिया थोड़े हेडरेस्ट, जिससे मतलब थोड़ा ना आराम करने मस्त मज़ा आता है, पर ड्राइवर को आराम कभी नहीं करना चाहिए जो भी है।
पर फिर भी मतलब एक कंफर्टेबिलिटी के लिए लगवा लिया कि चलो कोई नहीं जैसा भी है, और लगाया हॉर्न इसमें। आवाज़ आपको आ रही होगी बाहर की वैली में, मैंने आपको सुनाई दी थी, बाहर ज़्यादा आवाज़ है इसकी। और लगे इसके मैट, ये वाले 70 मैट लगवाने की सोची थी, बट 70 मैट में आपको पता ही है प्रॉब्लम्स क्या आती है कि थोड़े टाइम बाद ना वो मतलब ऐसा कहते हैं ना पैर लग लग के बिल्कुल मतलब टेढ़ा मेढ़ा होकर ना सेटिंग बनती नहीं, और खामा खाम ना वो जगह और गिरता है गाड़ी के अंदर। सो इसलिए 70 मैट को प्रेफर नहीं करा, और ये उन्होंने बोला था कि लॉन्ग लास्टिंग है, एक बार लगाओ भूल जाओ, ऐसे वाले मैट है। तो मैंने कि चलो यही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। उनकी खुद की रिकमेंडेशन थी कि 70 मत लगाओ, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, लॉक टूट जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के दिखाया था लॉक वगैरह कैसे टूटते हैं उसके। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको एक्सपीरियंस है, डेली का काम है इनका। तो और रबिंग वगैरह कराई थी, रबिंग भी आपने देख ली। तो बस आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन के नीचे, जय भाई का वेट करते हैं। है आ गए? हाँ जी आ गए। कैसी रही ट्रिप? हाँ जी आ गए। ट्रिप कैसी रही? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर ट्रिप थी हमारी। अगली ट्रिप के लिए तैयार हो? अगली ट्रिप के लिए तैयार है बिल्कुल। कटिंग वटिंग बढ़िया करा के गए थे बिल्कुल। अब तो मलूक लग रहे हो। अब तो काला हो गया। नहीं बहन, तो बढ़िया दिखाता तुझे। तो ये बैड शब्द यूज मत करे कोई व्लॉग्स में। फैमिली वाले लोग भी देखते हैं हमारे। तो गाइस घर तो आ गए हम, और थैंक यू सबसे पहली बात तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जैसे कि और मैंने वादा करा था अपनी पुरानी वीडियो में कि जब मेरे 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप रिवील कर दूंगा। तो मेरी नेक्स्ट ट्रिप जो है वो है राजस्थान साइड की, जिसके अंदर जैसलमेर जयपुर वगैरह मैं एक्सप्लोर करूंगा, माउंट आबू वगैरह सारी जगह। सो बने रहना उस वाली सीरीज़ में भी आपको मज़ा आएगा। तो उधर हम निकलेंगे कल सुबह 4 बजे, तो वीडियो को देखते रहना।